मुझे रिसीव करने के लिए जो कार्यकर्ता आ रहे थे उन सबको लखनऊ पुलिस ने पकड़ लिया है और थाने में बिठा दिया है और उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी सहयोगियों की गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर और जौनपुर में आयोजित कार्यक्रम में वो गए थे और वहां से आने के बाद पता चला कि मुझे रिसीव करने आए लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और थाने में बैठा दिया है, उन पर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसर कहते हैं कि पीएमओ ऑफिस से आदेश है। मैं कहता हूं कहां है आदेश, उसकी कॉपी मुझे दो, मैं सच की राह पर चल सकूं, लेकिन गुंडागर्दी करने से ना तो यहां के शासन को लाभ होगा और ना ही पीएमओ ऑफिस को। उन्होंने कहा कि मैं यहां से नहीं उठूंगा, मैंने अन्न जल सब त्याग दिया है। मेरे कई साथी थे, करीब 100 के ऊपर, उनकी गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। आप भी देखिए ये पूरा वीडियो। 4 तारीख को सुल्तानपुर के प्रोग्राम में और उसके बाद जौनपुर के प्रोग्राम में, इसके बाद प्रतापगढ़ के प्रोग्राम के लिए सामाजिक प्रोग्रामों में आया हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे रिसीव करने के लिए जो कार्यकर्ता आ रहे थे उन सबको लखनऊ पुलिस ने पकड़ लिया है और थाने में बिठा दिया है और उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश चल रही है। मैंने जाना, मुझे लगा कि जो मेरे बच्चे जेल में रहें और मैं मुक्त रहूं, ये ठीक नहीं है जी। मैं इसीलिए या तो उनको मुक्त करो, नहीं तो मैं एयरपोर्ट पे अनशन पर बैठ गया हूं और खाना पीना छोड़ दिया है। तो जब तक आपके पुलिस ऑफिसर यहाँ है वो बोलते हैं कि पीएमओ ऑफिस से आदेश है, मैं मांगता हूँ आदेश की कॉपी मुझे दो तो मैं न्याय के राह पे चल सकूं, लेकिन गुंडागर्दी करने से न तो यहाँ के शासन को लाभ होगा न प्राइम मिनिस्टर के पीएमओ ऑफिस को लाभ होगा जी। तो जब तक आपके साथियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक आपका कहना है कि आप यहाँ से उठेंगे नहीं? यहाँ से उठूंगा नहीं और अन्न जल का त्याग कर दिया है।